फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे शेयर करेंगे टर्टल वाइन की फ्लावरिंग। जी हाँ, टर्टल वाइन पर भी फूल आते हैं जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। बहुत से लोगों ने टर्टल वाइन की फ्लावरिंग नहीं देखी होगी, तो हमने सोचा ये वीडियो शेयर करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये हैंगिंग बास्केट हमने किस तरह से तैयार की थी, इस पर एक वीडियो शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। बहुत जल्दी ग्रोथ करता है ये प्लांट। और एक बात और, अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि हमने टर्टल वाइन ग्रो की है लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रही है। तो जब आप बिना सीज़न के ये वाइन लगाएंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेगी लेकिन वो मरेगी भी नहीं। तो आपको बिना मौसम के या किसी भी मौसम में ये कटिंग अगर इसकी मिल जाती है तो आप उसको किसी भी पॉट में लगाकर छोड़ दीजिए, और कोई केयर नहीं करनी है, कोई देखभाल नहीं करनी है उसमें। आपको पानी भी अगर आप नहीं देते हैं तो भी ये मरती नहीं है, और दूसरे किसी भी पॉट में आप इसको लगाकर छोड़ सकते हैं। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमें ये बिना सीज़न के ही मिली थी और हमने इसको किस तरह से तैयार किया था। तो देखिए, इस तरह से इसमें जो इसकी छोटी छोटी जो टहनियां हैं उन पर ही फ्लावरिंग होती है, और जो पत्तियाँ होती हैं उन्हीं में से ही इसमें फूल निकलता है। तो देखिए, अब इस तरह से सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, और जैसे ही मार्च आता है ये ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो ये सिकुड़ेगी, जैसे 10 o'clock प्लांट पर भी हम वीडियो शेयर कर चुके हैं, जो 10 o'clock प्लांट होता है, पोर्चुला का, पर्सलेन, ये सब सिकुड़ जाते हैं, और जैसे ही मार्च आता है ये दोबारा इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो अभी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और सर्दियों तक आते आते ये पूरा सूख जाता है, लेकिन आपको इसको फेंकना नहीं है। जैसे ही मार्च आएगा ये प्लांट दोबारा से ठीक हो जाएगा। तो अभी इसकी रंगत बेकार होने लगेगी, ये ज़्यादा अच्छी देखने में नहीं लगेगी। तो आप चाहें तो इसे कट कर सकते हैं, और ऐसी की ऐसी बास्केट को हटाकर आप एक साइड में रख सकते हैं, बस हल्की नमी इसमें बना दीजिए। और अगर आप इसमें वैसे पानी देना भूल भी जाते हैं सर्दियों में, तो भी ये मरेगी नहीं और सीज़न आने पर अपने आप ग्रोथ कर लेगी। लेकिन आज की वीडियो में हमें आपको केवल यही दिखाना था कि देखिए, इस तरह से इसमें फूल आते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के फूल आते हैं, और हो सकता है कि इसमें सीड्स भी बन जाएँ। हमने इसके सीड्स अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन अगर इसमें सीड्स बनते हैं, जो कि हर पत्ती जो इसका लीफ है उसमें से फूल निकल रहा है, तो सीड भी ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये एक तरह की घास ही है जो कि लगातार फैलती जाती है। और इस प्लांट में एक खासियत है कि ये प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। तो इस वाइन को आपको ज़रूर ग्रो करना चाहिए, आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है, इजी टू केयर है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको कोई देखभाल नहीं करनी होती है, ना ही पानी, ना ही फर्टिलाइज़र, और ये अपने आप ग्रोथ करती रहती है। सेमी शेड में भी चल जाती है, ब्राइट लाइट में भी चल जाती है, और धूप में अगर आप इसको रखते हैं तो इसका जो कलर है वो हल्का सा फेड रहता है, धुंधली रहती है। तो अगर आपको इसके फूल अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। थैंक यू।